हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। कैसे हो बच्चा लोग आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो हमारे साथ। तो चलिए आज की जो लेक्चर की स्टार्टिंग रहने वाली है काफी अमेजिंग रहने वाली है। आज नंबर लेक्चर सेकंड रहने वाला है आपका, जो कि रिलेटेड है सर्कल चैप्टर से। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर ले, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रमोशनल पार्ट के बारे में जरूर डिस्कशन होता ही है। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 टू 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनईसी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बेटा। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ में जिस भी तरह का आपको डाउट है फटाफट से आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डाउट जो सॉल्विंग के जो हमारे मेथड्स है वो आपको काफी अच्छे से पता है। ओके, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप यूज करना चाहें उस पर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से पता ही है आपको। मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है, जैसा कि क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 t.me/ttb07 एज वेल एज क्लास 8 t.me/ttb08। मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb009 और क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको जब यहाँ पर मिलने वाली है तो क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस बाय टीटीबी के एक्सपर्ट फैकल्टी से एंड बाय वीकली क्विजेस। तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सेम प्रोसेस प्राइस डिटेल्स पर पहुंच जाइए। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर पहुंचते हैं बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है आप सभी के लिए, मैं लेकर आया हूं यहां पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LSLive। कहने का मतलब ये है कि इस LSLive कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LSLive कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, एंड सेकंड पैकेज के लिए LSLive कूपन कोड यूज करने पर ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो देखा ना आपने कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला। फटाक से कूपन कोड यूज करने के बाद आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट एंड सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, और कुछ फैसिलिटीज भी है आपके पास यहाँ पर पेमेंट की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बिल्कुल हमारा। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111 क्या करना है, फोन उठाना है, कॉल करना है, पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी क्वायरी करना है आपको वो कंप्लीट क्वायरी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से इस कूपन कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर का भी। ओके, चलिए
लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। वैसे हमारी बॉन्डिंग तो ऑलरेडी बनी हुई है, पर जो बच्चे न्यू कनेक्ट हुए उनके साथ भी। ओके, तो चलिए आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको यहाँ पर बनना है स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तो फटाक से पेन कॉपी निकालो, शुरू करो जल्दी से ही। जिस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर सेकंड, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सर्कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम मेनली इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड हैं पूरे आपके लेक्चर नंबर फर्स्ट से। ओके, तो सर्कल में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इसकी जनरल डेफिनेशन में मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और उस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जब आप एक चारों तरफ उसके राउंड कंप्लीट करते हो, तो वो जो प्लेन पर है आपको जो शेप मिलेगा वही क्या होगा, आपका सर्कल होगा। क्लियर है? सर्कल में फिर हमने देखा कि रेडियस, फिर डायामीटर, सर्कमफेरेंस। क्लियर है? साथ में हमने यहाँ पर देखा कि आर्क क्या होता है, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने इसमें इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट जो हमारी थ्योरम थी उसमें हमने बोला कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में टू इक्वल कोर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो टू इक्वल कोर्ड्स जो एंगल बनाएगी वो एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? सेकंड थ्योरम में आपने देखा कि जब हमारे पास टू इक्वल कोर्ड्स थी तो उनसे बनने वाले एंगल हमें कैसे मिले, इक्वल मिले। तो सेकंड में हमें ये बोला गया कि जब इन टू कोर्ड्स से बनने वाले एंगल इक्वल है तो ये दोनों कोर्ड्स भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। क्लियर? और थर्ड, अगर हम सर्कल में एक कोर्ड ड्रॉ करते हैं और उस कोर्ड पर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हम क्या देखते हैं, उस कोर्ड का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए इन्हीं से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जिस लेक्चर को हम स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, प्रीरिक्विटीज आपकी क्या क्या रहनी चाहिए, कीवर्ड्स क्या रहना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है आपको, गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, शो हाउ टू कंप्लीट द सर्कल। अगर आपको एक आर्क गिवन है तो आपको यह बताना है कि आप किस तरह से एक सर्कल कंप्लीट कर सकते हो। फटाफट से, आपको अगर एक आर्क गिवन है तो हमें यह बताना है कि सर्कल हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आर्क क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए। आर्क क्या होता है? आर्क के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जब आपके पास कोई सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर, ठीक है, अगर हम इस सर्कल में से एक छोटा सा पीस क्या करें, अलग कर देते हैं। मान लीजिए ये पीस हमने थोड़ा सा इससे कट कर दिया, तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि एक पीस तो हमें इस तरह का मिलेगा, ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट, और एक हमें ये छोटा वाला पार्ट मिलेगा। तो ये छोटा वाला जो पार्ट है ये तो क्या है, माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये है आपका मेजर आर्क। ओके, तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि अगर आपको आर्क गिवन है सर्कल का तो आप कंप्लीट सर्कल किस तरह से प्रूव कर सकते हो। ओके, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक आर्क लेते हैं। क्लियर? इस आर्क में हम इस तरह से एक कोड ड्रॉ कर देते हैं, तो फाइनली हम देखते हैं ये हमारे पास PQ कोड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। इस पर हम एक पॉइंट और लेते हैं यहां पर, और ये है हमारा R पॉइंट। क्या है हमारा ये R पॉइंट? अब इस R पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं P से और Q से। तो फाइनली आप यहां पर देखते हो कि जब हम इसे P और Q से ज्वाइन करते हैं, किससे, P और Q से, तो हमें यहां पर एक ट्राइंगल मिलता है, और वो ट्राइंगल क्या मिल रहा है आपको, पी क्यू आर ट्राइंगल मिल रहा है। कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम यहां पर इस ट्राइंगल पी क्यू आर में हम यहां पर इस पी आर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से QR पर भी हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से,
तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमें यहां पर इसका ये सेंटर मिलता है और इस सेंटर को नेम दे देते हैं हम ओ डैश। तो ओ डैश जो है यहां पर वो क्या है आपका, एक सर्कल है उसका सेंटर, क्लियर। ओ डैश क्या है आपका, सर्कल का सेंटर। अब यहां पर हमें ओ डैश पी, ओ डैश क्यू और ओ डैश आर, ये जो पार्ट मिल रहा है इन थ्री पॉइंट्स की हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना, यही हमें प्रूव करना था। फटाक से नोट कर लो इसे, ये तो सिर्फ आपका एक थ्योरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था जिसको आपको काफी इजीली समझ में आया होगा, क्लियर है। इसमें हमें कुछ भी ऐसा डेरिवेशन टाइप सा या कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ इसका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है हमें वो समझ में आना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना, एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। ओके, यहां पर देखो हमने थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा और थर्ड पॉइंट ये, क्लियर है। इन थ्री पॉइंट नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फटाक से नोट कर लो बेटा जल्दी से। चले आगे, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जब कोई भी टू सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड्स एट राइट एंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि जब ये टू सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनकी लाइन को जब हम ज्वाइन करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं किससे, कॉमन कॉर्ड से, तो हमें एक राइट एंगल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ए बी ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओ डैश, ये हमारे पास ओ, क्लियर। इनका जो ये सेंटर है इसे नेम दे देते हैं हम एम, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब हमें यहां पर प्रूव करना है कि एंगल ए एम ओ जो बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हो कि जब हम इसे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किस तरह से, मान लीजिए इस ओ को ज्वाइन कर देते हैं हम ए से, इस ओ डैश को ज्वाइन कर देते हैं ए से, इसी तरह से इस बी को ज्वाइन कर देते हैं हम ओ से और इस ओ डैश को ज्वाइन करते हैं हम यहाँ पर ओ डैश, क्लियर। तो फाइनली हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हमें यहां पर ट्राइंगल मिल रहा है। एक ट्राइंगल तो है हमारा ए ओ ओ डैश ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास बी ओ ओ डैश ट्राइंगल, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। तो आ जाइए फटाफट से जो जो ट्राइंगल आपके पास है उन ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले देखो फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए ओ ओ डैश या ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल कौन सा है आपके पास, फटाक से देखो यहां पर ओ बी ओ डैश ट्राइंगल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास ये जो ओ ए है ये किसके इक्वल है, इस ओ बी के इक्वल है, ये ओ ए इक्वल है इस ओ बी के, ये ओ डैश ए इक्वल है ओ डैश बी के। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी तरह का, फटाफट से बोलो। हमने कहा है कि ये जो ओ ए है हमारा ये इस ओ बी के इक्वल है, इसी तरह से ये ओ डैश बी जो है हमारा ये इक्वल है इस ओ बी के, क्लियर। दोनों में हमें जो कॉमन साइड मिल रही है वो कॉमन साइड क्या मिल रही है हमें, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश साइड जो है दोनों में क्या है हमारे पास, कॉमन है, क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम यहां पर देखते हैं हमारे पास जो ट्राइंगल ओ ए ओ डैश और ट्राइंगल ओ बी ओ डैश ये जो है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइड 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 रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल तो ये ऊपर वाला था आपका और सेकंड ट्राइंगल आपके पास ये नीचे वाला था, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना है, हम यहां क्या कह सकते हैं, हमारा जो एंगल ए ओ ओ डैश और एंगल ओ ए ओ डैश ओ ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सेकंड ए ओ एम एंगल और बी
ओ एम एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से देखिए, जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्क्यूरेंट है तो एंगल ए ओ ओडेश, एंगल ए ओ ओडेश किसके इक्वल है, एंगल बी ओ ओडेश के। क्लियर? सेकंड, एंगल ए ओ एम, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ किसके इक्वल है, एंगल बी एम ओ के। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपको टू ट्राइंगल्स और मिल गए। कौन कौन से ट्राइंगल? एक तो ट्राइंगल मिला ए एम ओ ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल मिला आपको बी एम ओ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है, ओ ए साइड किसके इक्वल है, इस ओ बी साइड के। ओ ए साइड इक्वल है ओ बी साइड के, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या मिल रहा है हमें यहां पर, हमारा जो एंगल ए एम ओ है किसके इक्वल है, एंगल बी एम ओ के। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे इक्वेशन वन नेम दे देते हैं तो बाय इक्वेशन वन, ठीक है, पूरी पिक्चर क्लियर है यहां तक, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं है, पूरी चीज आपको समझ में आ रही है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है कि हमने यहां पर इस साइड को इक्वल कर दिया इस साइड के, और इस साइड को इक्वल, इस एंगल को इक्वल किया इस एंगल के, तो फाइनली इन दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन साइड मिल रही है हमें, वो क्या मिल रही है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड हमें मिल रही है यहां पर ओ एम, ओ एम। ये दोनों साइड जो है आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल की एक ही तो साइड है, इस ट्राइंगल में भी हम देखते हैं तो यही साइड मिल रही है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी हमें यही साइड मिल रही है। तो फाइनली ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल बी एम ओ, ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में क्या है, आपके पास कॉन्ग्यूरेंट ट्राइंगल है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्यूरेंट ट्राइंगल है तो बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास अभी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एंगल हमारे पास यहां पर कंप्लीट एंगल देखते हैं हम, तो इस कंप्लीट एंगल में हम क्या देखेंगे कि ये ए एम जो इक्वल है किसके इक्वल है, इस बी एम के। जब एंगल ए एम, ये साइड ए एम इस बी एम के इक्वल है, तो ए एम ओ और एंगल बी एम ओ ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो सारी चीज आपके पास क्लियर है। तो फाइनली आओ देखो, यहां पर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्क्यूरेंट है, तो ए एम साइड जो है वो किसके इक्वल है, इस बी एम के। क्लियर? एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल कितने डिग्री का है आपका, 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि देखो ये भी 90 है और ये भी 90 है, जब ये दोनों 90-90 है तो कितना होगा, 180 डिग्री। और हम यहां से देखते हैं कि एंगल ए एम ओ जो है वो इक्वल है एंगल बी एम ओ के। क्लियर? तो हम यहां से इस एंगल बी एम ओ के प्लेस पर ए एम ओ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइनली एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इक्वल 180 डिग्री, टू एंगल ए एम ओ इक्वल 180 डिग्री, टू एंगल ए एम ओ इक्वल 180 था, तो एंगल ए एम ओ कितना होगा यहां से, 90 डिग्री। और यही आपको यहां पर प्रूव करना था, कि मतलब कि ये जो 90 एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, फटाफट से छापो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, पहले नोट कर लो इसे जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस जो बोला गया है क्वेश्चन में पहले उस चीज पर ध्यान दे लो, बाकी सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी आपको। बस यहां पर ध्यान रखना है सर्कल क्या है, थोड़े से एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, आपको राउंडर की हेल्प से बनाना है, इक्वल बनेंगे। ओके, हो गया नोट। चलिए देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये समझो पहले, आपको टू सर्कल लेने हैं, और ये जब टू सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, इन दोनों सर्कल के सेंटर्स पर जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये बाइसेक्ट द कॉमन कोर्ड एट राइट एंगल, कॉमन कोर्ड को बाइसेक्ट करती है, कहां पर, राइट एंगल पर, मतलब कि कॉमन कोर्ड, और ये जो सेंटर पर लाइन बन रही है इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो फाइनली हमें प्रूव करना था कि एंगल ए एम ओ जो है हमारा
वो कितना है 90 डिग्री है। अब इसे 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल लिया ओ ए ओ डैश ट्राइंगल, फिर सेकंड लिया हमने यहाँ पर ट्राइंगल बी ओ बी ओ डैश ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, और दोनों में ओ डैश जो साइड है ये क्या है कॉमन है। तो फाइनली दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हुए कॉन्क्यूरेंट हुए। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्क्यूरेंट हुए तो हम क्या कह सकते हैं एंगल ए ओ ओ डैश एंगल और एंगल बी ओ ओ डैश एंगल दोनों आपस में क्या है इक्वल है, जिसे हमने इक्वेशन वन नेम दिया। फिर हमने यहाँ पर टू ट्राइंगल्स लिए ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल बी एम ओ, इन दोनों ट्राइंगल को भी हमने कॉन्क्यूरेंट प्रूव किया। जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्क्यूरेंट प्रूव करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है कि ये ए एम साइड जो है ये किसके इक्वल है इस बी एम साइड के, और एंगल ए एम ओ जो है वो इक्वल है एंगल बी एम ओ के। तो फाइनली हमने यहाँ देखा कि आपका जो एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ इन दोनों का सम मिलेगा वो आपको 180 डिग्री। तो इस एंगल बी एम ओ के प्लेस पर हमने क्या किया एंगल ए एम ओ रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। तो फाइनली टू एंगल ए एम ओ मिला आपको और इसकी वैल्यू मिलती है 180 डिग्री। यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। ओके फटाक से नोट कर लो, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायामीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें यहां पर एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल का जो डायामीटर है वो सर्कल का डायामीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। सेकंड कॉन्सेप्ट में हमें बोला गया है कि जो इस सर्कल की कॉर्ड है इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पर कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्लियर है, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल डायामीटर, ठीक है क्लियर है, ये आपको यहां पर फाइंड करना है। तो चलिए देखो, ये सबसे पहले क्या है हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो। तो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो ये हो गई आपकी कॉर्ड ड्रॉ, ये ए और ये बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सर्कल का सेंटर आपका, ओके क्लियर है। अब यहां पर सर्कल के सेंटर की सारी चीज क्लियर हो गई, यहां पर हमें बोला गया है कि सर्कल का जो डायामीटर है वो कितना है 20 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायामीटर जब हमारे पास 20 सेंटीमीटर है तो हम यहां से रेडियस किस तरह से फाइंड करेंगे इस डायामीटर का हाफ, ओके। तो फाइनली पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं, कोड ए बी कितना गिवन है आपके पास 16 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए सेकंड देखिए, डायामीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का डायामीटर है आपके पास 20 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा 20/2 मतलब कि 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये रेडियस लीजिए आप सर्कल की 10 सेंटीमीटर, ओके। अगर हम यहां से इसको भी मिला देते हैं तो ये बन गया हमारे पास P। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, हमें यहां पर ये जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से इस कोड की जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करें, देखो पहले इस कोड की बात करते हैं, तो कोड की जो टोटल लेंथ है आपके पास वो है 16 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ है आपके पास 16 सेंटीमीटर। फाइनली ए से बी की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, तो पी बी की लेंथ किस तरह से फाइंड होगी, जब हमारे पास ए बी इक्वल 16 सेंटीमीटर है तो हम क्या कहेंगे पी बी जो है वो क्या है हाफ है किसका ए बी का, क्लियर। तो ये लीजिए हाफ ऑफ ए बी, मतलब कि पी बी मिलता है आपको यहां से 8 सेंटीमीटर, कितना फाइंड होता है बेटा 8 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम यहां आता है नहीं। अब यहां पर देखिए आप, जब हमें यहां पर ये पी बी 8 सेंटीमीटर फाइंड हो गया, हमारे पास अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये आपका हाइपोटेनियस है ये आपका बेस है, क्लियर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि ओबी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस है आपके पास पीबी प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ओपी स्क्वायर, ओके। अब हमें यहां पर क्या करना है ओपी फाइंड करना है, तो फाइनली ये ओपी स्क्वायर मिलता है आपको यहां से, ओपी स्क्वायर क्या मिलेगा देखो फटाफट से,
इसको आप ट्रांसफर कर दो इधर, तो फाइनली ये हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर। ओके क्लियर, OP स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए। OB, OB की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास 8 स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64, OP स्क्वायर 36, फाइनली OP इक्वल कितना मिलता है हमें 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, क्लियर है? तो ये जो आपको डिस्टेंस फाइंड हुआ, ये कितना फाइंड होता है 6 सेंटीमीटर, और यही डिस्टेंस आपको टोटल यहां फाइंड करना था। मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से नोट करो आप। ओके बेटा, हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया पूरा आपको? आपको यहाँ पर गिवन था कि इस सर्कल में अगर हम एक कोण ड्रॉ करते हैं, तो इस कोण पर सर्कल के सेंटर से हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस रहने वाला है ये कितना रहने वाला है, ये आपको फाइंड करना था। तो इसके लिए आपने क्या देखा कि जब आपके पास ये पूरी AB की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो PB क्या होगा, इस AB का हाफ होगा, तो ये मिल गया आपको 8 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी आपको गिवन था यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि जब हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस है और बेस है, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो बाय पाइथागोरस हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमें जो ये डिस्टेंस मिला, मतलब कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मिलता है हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ओके क्लियर, चलिए हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। काफी अमेजिंग क्वेश्चन है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, टू सर्कल है हमारे पास, कितने हैं टू सर्कल, इनकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 21 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां पर हमें बोला गया है कि ये जो टू सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इनकी रेडियस 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर जब है, तो यहाँ पर हमारे पास इन टू पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड का जो टोटल लेंथ है हमें वो फाइंड करना है। तो देखो, पहले तो हम टू सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इक्वल सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले, तो क्योंकि दोनों का इक्वल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल, दोनों सर्कल नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों सर्कल में एक कोड, मतलब कि ये हो गए आपके ए और ये हो गए आपके पास यहाँ पर बी कोड, क्लियर है, ए बी हो गया। अब यहाँ पर हम जब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास मान लीजिए पी और ये हो गया हमारे पास क्यू। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये वाली जो रेडियस है, थोड़ा सा हम इन्हें आगे तक बढ़ा दें, क्योंकि ये सर्कल की क्या है, रेडियस है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हें हम यहां तक ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए यहां पर ये ए ये बी, ये आपको गिवन है यहां पर 17 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट है आपका ओ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है आपका ओ पॉइंट है। अब देखो यहां पर हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है, ये हमें क्या करना है यहां पर फाइंड करना है। तो इस टोटल लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये इतना सा जो लेंथ है ये हमें कितना दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इन दोनों सेंटर पॉइंट का जो सेंटर्स है इनका डिस्टेंस कितना है 21 सेंटीमीटर। तो फाइनली अगर हम इसे एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये कितना होगा 21 माइनस 1 सेंटीमीटर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आपके पास बेस है, आपके पास यहां पर हाइपोटेनियस है, तो फटाफट से क्या करोगे,
क्या करोगे, पाइथागोरस यूज करोगे? तो आ जाओ फटाफट से, पहले तो हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट हमारा। गिवन पार्ट, टू सर्कल्स रेडियस आर वन इक्वल 10 सेंटीमीटर, आर टू इक्वल 17 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, और यहां पर हमें एक और चीज गिवन है, टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, टू पॉइंट्स और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो हम यहां पर देखते हैं ट्राइंगल ए ओ पी, ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस ए ओ पी ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर आपको फाइंड करना है ये ओपी स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि एपी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एपी स्क्वायर इक्वल होगा ओपी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर, ओपी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर। क्लियर? यहां पर हमें ओपी फाइंड करना है, तो फाइनली ये ओपी स्क्वायर इक्वल यहां से आपको क्या मिलता है, 17 स्क्वायर माइनस 21 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहां से ओपी स्क्वायर इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या मिलेगा आपको, 289 माइनस 21 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब सेकंड ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल लोगे आप, सेकंड ट्राइंगल लोगे आप यहां पर ये वाला। इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल बीओपी, इन ट्राइंगल बीओपी, बीओपी ट्राइंगल में भी सेम कंडीशन, ओपी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा यहां पर बीपी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। क्लियर? ओपी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 21 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल बीपी स्क्वायर, बीपी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो अब देखो यहां पर 289 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर मतलब कि 441, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 42x। क्लियर? 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इस माइनस को अंदर सॉल्व कर लो, तो यहां से मिलता है 289 माइनस 441 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? माइनस ये प्लस हो जाएगा 42x इक्वल यहां पर ये मिलता है हमें 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, एक तरफ इंटरचेंज करोगे तो प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहां पर हमें मिलता है 400, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर आप इन दोनों की बात करते हो यहां पर, तो फाइनली इसे सॉल्व करने पर आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे, यहां से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है फटाफट से, इसे आप सॉल्व करते हो तो 42x माइनस आपको मिलता, 42x इक्वल मिलता है आपको 252, कितना मिलता है 252। क्लियर? x की वैल्यू 252 अपॉन 42, और इसे सॉल्व करते हैं हम तो यहां से मिलेगा हमें 6, कितना मिलेगा 6। क्लियर है? तो अब देखो आपको ये OP कितना मिलता है, 6 मिलता है। क्लियर है? x की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, सॉरी इसकी, इस x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहां से, अगर हम OP स्क्वायर फाइंड करते हैं, OP स्क्वायर अगर हम यहां से फाइंड करते हैं, तो ये OP स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, BP स्क्वायर और बीपी स्क्वायर माइनस बीओ स्क्वायर, बीपी स्क्वायर माइनस बीओ स्क्वायर। तो फाइनली ये ओपी स्क्वायर इक्वल
ये 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर इक्वल, फाइनली यहाँ से कितना मिला आपको 100 माइनस 36, ओपी स्क्वायर इक्वल 64, ओपी की वैल्यू मिलती है आपको यहाँ से 8 सेंटीमीटर, कितनी फाइंड होती है बेटा 8 सेंटीमीटर। अब इस ओपी की वैल्यू जब हमें 8 सेंटीमीटर फाइंड हुई है तो हमें ये पूरी टोटल फाइंड करना है, तो ये ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा आपका टोटल, आपको ए बी फाइंड करने के लिए ए बी इक्वल होगा किसका 2 इंटू ओपी, तो फाइनली ए बी इक्वल मिलता है आपको 2 इंटू 8, मतलब कि ए बी इक्वल 16 सेंटीमीटर, और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। क्लियर है, समझ में आया पूरा पूरा, फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको एक बार और वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, सारे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आई होप पूरी पूरी ऐसी उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे। देखो वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमें बोला गया है कि यहां पर हमारे पास टू सर्कल्स है और ये दोनों सर्कल्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जब ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके जो इंटरसेक्ट करने का मतलब कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इन टू पॉइंट्स की इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है टोटल वो 21 सेंटीमीटर है, तो फाइनली हमें इस कॉमन कोड मतलब कि इस ए बी का लेंथ फाइंड करना था। इस ए बी का लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल लिया ए ओ पी ट्राइंगल, इस ए ओ पी ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, फिर सेकंड लिया हमने यहाँ पर बी ओ पी ट्राइंगल, इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ओ पी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमें 289 माइनस 21 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो इस वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें ये क्या है ओपी स्क्वायर के इक्वल है, तो ओपी की स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, फिर यहां से आपने इसको पूरे को सॉल्व किया तो x की वैल्यू ये मिलती है आपको 6, मतलब कि आपको ये BO की लेंथ फाइंड हो गई, ये BO की लेंथ जब हमें फाइंड हो गई तो हमने ट्रायंगल BOP में देखा कि हमारा जो OB स्क्वायर था ये किसके इक्वल होगा, सॉरी OP स्क्वायर जो है वो BP स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहां से हमें मिलता है 8 सेंटीमीटर। इस 8 सेंटीमीटर को अगर जस्ट हम डबल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों पूरी हमें फाइंड करनी है, तो इस OP को जो हम ये OB जो हमें मिला है यहां पर हमने क्या किया इसका जस्ट डबल कर दिया, तो फाइनली हमें AB की लेंथ फाइंड हो गई। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, चले आगे। सॉरी यहां PQ कीजिए आप, यहां हमने AB लिख दिया, यहां PQ आएगा क्योंकि हमें PQ ये लेंथ फाइंड करना था, ये वाला है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है उसका सेंटर है हमारे पास O, एंगल BOA इक्वल 90 डिग्री, एंगल BOA हमारे पास 90 डिग्री है, COA हमारे पास 110 है, BAC हमें फाइंड करना है, मतलब कि ये वाला एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर, तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसे भी, गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं पहले, एंगल BOA कितना है आपके पास 90 डिग्री, एंगल COA कितना है आपके पास 110 डिग्री, क्लियर, BAC आपको फाइंड करना है, तो ये एंगल BAC ये हमें फाइंड करना है। आ जाओ अब यहां पर देखो, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितने डिग्री का होगा 360 डिग्री का, क्यों, क्योंकि देखो ना ये तो आपके पास ऑलरेडी 180 डिग्री का है भाई, ये क्या है हाफ पार्ट है ना सर्कल का, तो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का, अब ये 180 डिग्री का है तो ये टोटल कितने के 180 डिग्री के, तो फाइनली 360 डिग्री। ओके इसकी वैल्यू आपको गिवन है 90 डिग्री, इसकी गिवन है आपके पास 110 डिग्री, COA लिखो या OAC लिखो एक ही बात है, क्लियर, एंगल BOC ये कितना मिलता है आपको यहां पर 360 डिग्री के इक्वल, दोनों का सम करो कितना हुआ 290,
सॉरी 200, 360, इस 200 को ट्रांसफर करो उधर, तो बी ओ सी इक्वल 360 माइनस 200, एंगल बी ओ सी कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 160 डिग्री, क्लियर। अब आपको ये वाला जो एंगल है ये फाइंड हो गया 160 डिग्री है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस एंगल को फाइंड करना है, मतलब कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है ना वो क्या है, हाफ है किसका, एंगल बी ओ सी का, इसका क्या है ये हाफ है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें एक परपेंडिकुलर मिल रहा है, ओके बाइसेक्ट हो रहा है ना, ये एंगल है बाइसेक्ट हो रहा है तो हाफ हो गया, तो फाइनली एंगल बी ए सी इक्वल हाफ बी ओ सी की वैल्यू 160, तो एंगल बी ए सी यहां से मिलता है आपको 80 डिग्री, और यही आपको फाइंड करना था, ठीक है, क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से। हम क्या देखते हैं यहां पर, जो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना था, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 80 डिग्री का फाइंड होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहां पर x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास इस सर्कल में ये एंगल B जो है, अगर इस पूरे की बात करते हैं किसकी, हमें यहां पर गिवन है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितने डिग्री का है, ये हमारे पास 40 डिग्री का है, और एंगल B क्या है यहां पर x, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर हम इस बी ओ सी एंगल की बात करते हैं, किसकी, इस बी ओ सी एंगल की, तो एंगल बी ओ सी जो है ना वो क्या होगा, जस्ट डबल होगा बी ए सी का, तो फाइनली एंगल बी ओ सी क्या होगा यहाँ पर आपके पास 2 × 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी मिल गया आपको यहाँ पर 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आपके पास एंगल बी ऑलरेडी एक्स है, ये एंगल की बात करते हैं हम इसकी, तो ये एंगल भी कितना होगा एक्स ही होगा, मतलब कि एंगल सी भी हमारे पास कितना होगा एक्स होगा, तो फाइनली हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल बी ओ सी की, ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी में हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक्स प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल एक्स इक्वल कितने डिग्री का होगा, ये 180 डिग्री का, क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स रहेंगे उनका सम आपका 180 डिग्री होता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। यहां से देखो, यहां से हम क्या कर रहे हैं, x और x क्या हो गया, ये 2x प्लस बी ओ सी की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, ये 80 इक्वल 180, 2x इक्वल 180, इस 80 को ट्रांसफर करो उधर तो माइनस 80, 2x इक्वल 100, x इक्वल 50 डिग्री, ये लो जो आपको x का वैल्यू फाइंड करना था, ये x कितने डिग्री का है 50 डिग्री का। अब आप चाहे तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट आपके पास 50 डिग्री है, सेकंड आपके पास 80 डिग्री है, और थर्ड भी आपके पास 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी क्या है आपस में इक्वल है, तो ये हो गया टोटल आपके पास 180 डिग्री, मतलब कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके फटाफट से नोट कर लो फटाफट। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, एंगल ओबीसी, ओ बी सी ये आपको फाइंड करना है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्लियर है, आई होप आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हो बेटा। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे हमारे इंट्रोडक्शन फेज से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी, जिसमें हमने देखा कि कोई भी सर्कल में टू कोर्ड्स से बनने वाले जो एंगल्स रहेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, जब एंगल आपस में इक्वल है तो वो कोर्ड्स आपस में इक्वल होगी, और उस कोर्ड पर अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्लियर है। ये तीनों थ्योरम्स थी और इन तीनों ही थ्योरम से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।